हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फर्जी आयरिश। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं मेरे से कि आयरलैंड का वेदर कैसा है, आयरलैंड का वेदर कैसा है, ठंडा है, गर्मी है, बारिश हो रहा है, धूप कब निकलता है, स्नो होता है कि नहीं। तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक बढ़िया सा वीडियो है, दिखाता हूँ मैं आपको। मार्च चल रहा है, अभी मार्च का मंथ है, 1st of March, और 1st of March ये हुडी मैंने पहना है क्योंकि यहाँ हो रहा है स्नो। ये देख लो भाई, जितने भी लोग इंडिया से आ रहे हो तो ऐसा जैकेट सब ज़रूर लाना, क्योंकि कभी भी स्नो हो सकता है, कभी भी, मतलब कभी भी, और बहुत तेज़ अचानक से। मार्च है आज, 1st of March है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम। सुबह उठा मैं ऑफिस जाने के लिए और देखा कि इतना तेज़ बारिश हो रहा है, सॉरी मेरे को लगा बारिश हो रहा है, बट नहीं यार, वो तो स्नो भाई, स्लिपरी हो गया रोड। यही खासियत है आयरलैंड की कि ना, मौसम कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री माइनस में भी जब जाता है ना टेम्परेचर, तो स्नो नहीं होता, बट आज माइनस में भी नहीं है और स्नो हो रहा है, स्नो ही स्नो। और मेरा हाथ जो है ना, जो सूज कर लाल हो जाएगा अभी, और बहुत तेज़ हो रहा है, 1 घंटा से हो रहा है स्नो, पूरा वाइट हो गया है, पूरा वाइट। मैं ना दिखाता हूँ गाड़ी सबका क्या हाल है सुबह के टाइम पे, क्या स्नो है। गाड़ियाँ देखो, गाड़ियाँ सब स्नो से कवर हो गई, और बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं आराम से, ताकि ना स्लिप ना कर जाऊँ। सुबह आज फ्राइडे है, सोचा ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने का भी कोई फ़ायदा तो लग नहीं रहा मेरे को, काम होगा नहीं, क्योंकि ये जो मौसम है बहुत ही ख़तरनाक। वो था ना, लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है, तो पड़ गई, और ये इस सीज़न का 1st snow है आयरलैंड में, और बहुत तेज़ हो रहा। अभी हम गाड़ी निकाल के ना ट्रिप पे भी जाएंगे पहाड़ों पे, स्नो ही स्नो। बस डर इस बात का है ना मेरे को कि स्किड ना करे चक्का यार स्नो पे। यार वो रेड कार देखो, मस्त स्नो पे कवर है, और पीछे घर सब कवर है पूरा स्नो पे, बढ़िया मज़ा आ रहा है ना, क्या सीन है। तो जो लोग इंडिया से आते हैं ना, वो शॉर्ट्स लेकर, भाई हम लेके मत आओ, यहाँ पे ना दो ही मौसम होता है, एक तो होता है ठंडा और एक होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो देख लो अब, ठीक है, कभी भी बारिश कभी भी स्नो। ये देखो बस आ रही है, पूरा कवर होके स्नो से, दिखाता हूँ पूरा स्नो स्नो। तो ये है मेरा अपार्टमेंट, यहाँ रहता हूँ मैं। किसी को अपने कर्जे वापस लेने हैं भाई, यहाँ पे आ जाना, मैं इधर ही मिलूँगा। देखो साइकिल का हाल देखो, चक्के गायब हो गए, ये क्या सीन है, कोई चोरी कर लिया या इतना सा बचा था भाई घर ले जाता, क्या ही होता है इससे, पूरा साइकिल को ही घर ले जाता, 2 चक्का घर ले ही गया है तो। अक्षय भाई, हमारे अक्षय भाई बालकनी में मजा ले रहे हैं, ब्लॉग में आ रहे हो आप, ब्लॉग में देखो अक्षय भाई भी इधर ही रहते हैं, अपने मस्त एंजॉय कर रहे हैं बालकनी से कॉफी के साथ। ब्लॉग तो ये फिर वही सीन आ गया, यहाँ पे इसको खोलो और देखो बर्फ कितना है, ये देख रहे हो तेज बर्फ है, और इसको ना मारो, सॉरी मारने के चक्कर में ना मैंने इसको खोला भी नहीं, इसको खोलो और फिर ये गेट खुल जाएगा, और इतना ठंड हो रहा है ना, स्लिप कर रहा हूँ चप्पल। ये देखो कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, पैसा वाला हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, उधर बगल में लोएस्ट स्टॉप है, लोएस्ट स्टॉप में ना अच्छा खासा स्नो हो गया होगा, और बारिश में ना मैं माइक भी लेके नहीं आ सकता यार, सॉरी स्नो, हर बार बारिश बोल, बारिश हो के ना आदत हो गया, थोड़ी देर हुडी उतार के देखता हूँ क्या है, बालों पे जमेगी बर्फ।
आवाज बहुत आ रहा होगा गाड़ियों का, जैसे मैंने बोला माइक लाया नहीं हूँ क्योंकि बारिश में, ये फिर बारिश, एक तो आयरलैंड में ना इतना बारिश होता है ना कि मुंह से बारिश ही निकलता है। तो स्नो दिखाता हूँ मैं आपको, लुअस साइड वहाँ पे मस्त हो रहा है ना। ये रोड क्रॉस करने के लिए इसको प्रेस कर लो 2-3 बार और जैसे ही हो जाए वैसे तो गाड़ी तो आ नहीं रहा है, क्रॉस कर सकते हैं भाई साहब। कुत्ता भी जा रहा है अपना ठंडा में स्वेटर पहने का। लोएस्ट ट्रैक, मेरे को तो डर है, मेरा आज ऑफिस था और ऑफिस भी पता नहीं कब जाऊंगा। लोग निकले हुए हैं अपने अपने घरों से स्नो की मज़ा लेने। तो ये है वो मेरा लोएस्ट स्टॉप, क्या सीन है ना स्नो पे। मेरा ना हाथ देख रहे हो, खून लगा था, मेरे को लगा था कैनाल जम जाएगा बट कैनाल जमा नहीं। लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने डाला था कि ये कैनाल ना पूरा फ्रीज हो गया था बट अभी ये हुआ नहीं है फ्रीज, तो चल रहा यार। पता है तेज़ होते जा रहा स्नो, मैं उठा ऑफिस के लिए फ्रेश होने के लिए तो उतना नहीं हो रहा था उस टाइम पे, अभी लेकिन खतरनाक। और इतना रोड स्लिप, अगर ये स्लिप करके गिरा ना मैं इधर वीडियो बनाने के चक्कर में तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा मेरे लिए। हाँ देख रहे हो खून, और भी इंडियंस हैं जो रहते इधर, वो लोग भी आ गए स्नो का मज़ा लेने। तो लोग अपने मुल्क से बाहर आकर स्नो का मज़ा ले रहे हैं। बाल देखो मेरा बाल, और चला गया जादू। ये वाला देखो पूरा स्नो का रिलैक्स, अभी तो बेटा टेंशन आया नहीं, जिंदगी में आएगा बस आ रही है यार। वो साइकिल चाह रहा बंदा, पहले उसको देखो इतना बढ़िया लग रहा ना। ये लो बस पूरा स्नो में कवर्ड है, ये कनाल है, काफी गहरा है, यहाँ जाने का नहीं है ठीक है, अपने रिस्क पे जाए। बैक टू बैक लुअस भाई, ठंडा है यार, घर में रहो, कहाँ घूम रहे हो इधर उधर। लोग मेरे को भी यही बोलते होंगे कि ठंडा है, देखो भाई इतना ठंडे में भी ना जॉगिंग कर रहा, देखो पीछे भाई को वो। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा, आयरलैंड में ना लोग बहुत ही ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, मतलब अच्छी खासी फिटनेस पे ध्यान देते हैं अपने अपने, सुबह हो दोपहर हो जब मर्जी शूज़ डाले स्नीकर्स डाले लगे दौड़ने। ओ भाई साहब ये हाथ ना मेरा हाँ काम नहीं कर रहा, अगर बीमार पड़ा ना भाई तो जिम्मेदारी कौन लेगा, घर वाले भी नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। सेल्फी चलती है, सॉरी यू गाइस आर इन माय ब्लॉग, it'll be famous in India. Here they go, snow. यार कार पार्क देखता हूँ, लग ही नहीं रहा कि उधर ऐसा कुछ है, पर तो समझ में आता है। वो स्वान देख रहे हो भाई, ये लोग को ठंड लगती क्या, किस चमड़े से बने हो तुम। और पूरा कवर होगा इस तो डबलिन, देखो स्कूल ले जा रही है बच्चे को, अरे छुट्टी करो यार, अभी इंडिया होता तो पूरा स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद। हाय, बस ये है कि आयरलैंड में जब चलो ना तो ग्रीट करते रहो एक दूसरे को, ये देखो यार बता, स्नो खाओगे ना तो उसका भी अलग ही टेस्ट है। देखो अभी दिखाता हूँ, मस्त है, मीठा। एक पूरा एक घंटा हो गया, एक घंटे से ज़्यादा ही हो गया स्नो हो रहा है, टेम्परेचर -2 डिग्री समथिंग, और
5 degrees, -6, -7 degrees भी जाता है लेकिन स्नो नहीं होता उस टाइम पे, बट आज लकीली हो रहा है क्योंकि पूरा समंदर से घिरा हुआ है ना ये, तो स्नो बहुत कम होता है यहाँ पे, बारिश हो जाता है, लेकिन आज हो रहा है स्नो। ये देखो यार ये व्यू बढ़िया है ना, यहाँ पे सारे इंडियंस पहले से भरे हुए देखो जो हमारे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, दिखाता हूँ। ओहो ये इसमें ना फोटोग्राफी करो इतना मस्त आएगा। You wanna go in the bridge? ठंडा में बच्चों को, ठंडा में बच्चों को भी ऐसे ही घुमा रहे। ठंड नहीं लगती यार इन लोगों को, लगता मेरे को तो पता नहीं क्या, वैसे मेरे को भी तो नहीं लग रही अभी वीडियो के चक्कर में, बट ठीक है थोड़ा सा। मैं ना उसका वीडियो देखता हूँ, वो बच्चे का नहीं अभी कश्मीर में चल रहा है, पता नहीं कहाँ रहता है, उसकी बहन मुस्कान शेरजाई हैं बोलते रहता वो सिर्फ हैं, तो वैसे ही हो गया। आज हमारे मोहल्ले में स्नो हो रहे हैं, हम बहुत मज़े कर रहे हैं और बहुत ठंडा हो रहे हैं। ये लोग हैं बहुत सारे घूमते रहते हैं, तो मैं उसी को कॉपी कर रहा हूँ अभी। मतलब कुत्ते को यार कुछ पहना दो, मतलब कुत्ता तो ऐसा ठंड में हालत ख़राब हो रखा उनका। तो इधर भी पूरा स्नो, उधर भी पूरा स्नो, स्नो ही स्नो। और पीछे दो मोहतरमा आ रही है मेरे ब्लॉग में जानबूझकर, मैंने उसको बोल दिया मैं इंडिया बहुत फेमस हूँ, तो पीछे पड़ गई एकदम। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठंडा कुछ ज़्यादा है, बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा। ये देखो ग्रीन हो गई है, तो ग्रीन हो गई है तो गाड़ियाँ रुक गई है, तो गाड़ियाँ रुक गई है। ये देखो ये लड़के लोग कौन है। Hi guys, welcome to Fuzzy Irish. बदलो, where are you guys going? Office? Office. No. ये लोग ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस तो मेरा भी है लेकिन मैं मारूंगा छुट्टी, बोल दूंगा अरे तबीयत ठीक नहीं था। जो मेरा हाथ का बैंड बजा है ना भाई आज, ओहो मतलब बता नहीं सकता हूँ, इतनी बुरी तरह से ठंड है। और जो ऐसे जा रहा हूँ स्नो ऐसे आ रहा है सीधा मुंह पे, क्या बढ़िया बढ़िया फील आ रहा है। और अच्छा मौसम ठंडा हो गया, अभी रमज़ान आने वाला है नेक्स्ट वीक से, आई थिंक रमज़ान होगा तो रोज़ा रखने में भी अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा ठंड लगेगा नहीं, सॉरी ज़्यादा गर्मी लगेगा नहीं, तो बढ़िया हो जाएगा। बस 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 इससे ज़्यादा है भाई बस इससे ज़्यादा और ठंडा बर्दाश्त नहीं कर सकते गाइस। तो जितने भी लोग आयरलैंड आने वाले हो, चाहे मार्च हो, दिसंबर हो, कभी भी हो, दो ही मौसम होता है, एक होता है ठंडा और एक होता है बहुत ठंडा, बस तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग और उस हिसाब से प्रिपेयर करके आए। बैंड बज गया ठंडा में बैंड। तो गाइस फजली आयरिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, इतना मेहनत से बनाया मैंने ठंडा में जा जा। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आयरिश वेदर के बारे में आप लोगों को कुछ समझ में आ गया हो, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस बाय।